लंगाडोल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां लंगाडोल पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर आज अवैध तस्करों पर बड़ी एक्शन लेते हुए ताल गांव में छापेमारी की है, जिसमें पुलिस ने छापेमारी में अंग्रेजी शराब जैसे बोतलों को मिलाकर कुल 95 लीटर शराब जब्त किया है, जिनका अनुमानित कीमत 1,29,940 रुपए है। वहीं अवैध तस्करों पर 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें पहला आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतन जाट सेवली जिला पलवल हरियाणा एवं दूसरा आरोपी अशोक यादव ताल थाना लंगाडोल और तीसरा आरोपी नरमेद सिंह ताल गांव थाना लंगाडोल का बताया जा रहा है। अवैध तस्करों पर लंगाडोल पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें गोरख धंधे वालों का जीना हराम हो चुका है। आज इन तस्करों पर हुई कार्रवाई से लंगाडोल पुलिस की बड़ी एक्शन दिखाई दे रही है। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। 22/8/2020 को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम ताल थाना लंगाडोल में अशोक कुमार यादव अपने घर में अवैध शराब भारी मात्रा में रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पाकर लंगाडोल पुलिस स्टाफ को तत्काल रवाना किया गया और अशोक कुमार यादव के घर रेड कार्रवाई किया गया। दौरान रेड कार्रवाई के अशोक कुमार यादव के घर से 129 बोतल अंग्रेजी ब्रांडेड शराब, जिसमें से मैकडावल, इंपीरियल ब्लू, 100 वाइपर और बियर बरामद हुआ। कुल 95 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसकी बाजारू कीमत 1,29,000 रुपये आंकी गई है। तीनों आरोपी अशोक कुमार यादव, नरमेंद्र सिंह तथा जितेंद्र उप जीतन जाट को गिरफ्तार किया गया है। मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट एवं 42 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को जेल न्यायालय पेश किया गया था, जो न्यायालय से जेल भेजा गया है।